नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। दिल्ली ब्लास्ट में नया अपडेट यहां पर सामने आ गया है। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके से पहले की गई थी रैकी। घटना स्थल के पास बंद पड़े हैं सीसीटीवी कैमरे। जिस शख्स ने ये बम रखा था उसको पहले से ये पता था कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर बंद हैं। उससे पहले यहाँ पर रैकी की गई थी और साथ ही साथ परत दर परत अब धीमे धीमे राज खुलते जा रहे हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर खराब हैं। दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार को हुए आईडी ब्लास्ट की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर परत दर परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार को हुए आईडी ब्लास्ट की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर परत दर परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि ब्लास्ट से पहले ठीक तरीके से रैकी की गई थी और फिर घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल बताया जा रहा है कि धमाका जिंदल हाउस के सामने हुआ था। यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस जगह आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो खराब हैं। उधर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी घटना की जांच पर नजर बनाई हुई है। बताया जा रहा है कि जांच के सिलसिले में मोसाद के अधिकारी जल्द ही भारत आ सकते हैं। ये अहम खबर हो जाती है जानना, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर खबर सामने आ रही है ये नया अपडेट है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और दिल्ली मामले में ये अपडेट सामने आया है। घटना को अंजाम देने से पहले पूरी रैकी की गई थी और जिसने भी घटना को अंजाम दिया है उसको ये चीज़ पता थी कि यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो खराब हैं। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। आने वाले समय में कई और खुलासे होंगे।